हेलो बच्चों, तो यार सीओटी पीजी के रिगार्डिंग काफी सारे बच्चों की इंक्वायरीज रहती है कि भैया हमारा जो फॉर्म के अंदर करेक्शन है। हालांकि आपका फॉर्म जो है ऑलरेडी दो बार करेक्शन विंडो ओपन किया गया था। हालांकि जो यूजी के जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन किया गया, तो ये जस्ट जाहिर सी बात है आपके लिए भी करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। एडमिशन की अगर अपन बात करें तो यार सीयूईटी के जो एडमिशन है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, आपके जो भी मार्क्स बेसिस है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंदर आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एटलीस्ट आपके जो सब्जेक्ट थे, आई थिंक 25 प्लस सब्जेक्ट थे जितने भी बच्चे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिए हैं स्पेशली सीयूईटी पीजी के, तो जो भी नॉर्मलाइजेशन पद्धति का यूज किया जाएगा उसके लिए एक सर्कुलर नोटिस वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा। और जितने भी कॉलेजेज हैं जो एडमिशन ले रही है सीयूईटी के जरिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट में तो बेसिकली डायरेक्ट भी हो रहे हैं बहुत सारे में हो सकता है सीयूईटी हो जाए उनके पास, पता नहीं बहुत सारे कॉलेज तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं डाला। तो अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक है तो उसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके जो भी करेक्शन विंडो सीयूईटी रिलीज करेगी, इसके साथ ही आपके जो मार्क्स है उसको नॉर्मलाइजेशन बेसिस पे जो है ठीक किया जाएगा या फिर जो भी अपनाया जाएगा वो पद्धति, और उसके बेसिस पे जो हर कॉलेज नॉर्मलाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन रूल क्या होता है इसके लिए डिटेल के अंदर वीडियो बनाएंगे अपन की क्या सारा कैसे काम करता है, ठीक है, शिफ्ट वाइज ये काम करता है। जैसे आपके एग्जाम जैसे 3 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, 1 शिफ्ट में जैसा भी हुआ है, तो जो भी आपका रो सिस्टम बनता है, ठीक है, मान लो सपोज करो आपके अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा है, ठीक है, किसी बच्चे के 80 मार्क्स आए, ठीक है, तो 0.8% इस प्रकार से आपके जो परसेंटाइज वाइज है वो कंडक्ट किया जाता है। ये जो सारा का सारा जो नोटिस है वो यूजी के रिगार्डिंग तो रिलीज कर दिया गया है, सेम प्रोसेस पीजी के रिगार्डिंग हो सकता है बिकॉज और कोई हमारे पास रास्ता दिख नहीं रहा है इसके रिगार्डिंग, तो क्या सारा सेंटर आने वाला है। स्पेशली पीजी की अगर मैं बात करूँ तो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो यार जस्ट लाइक एमएससी कोर्सेज के अंदर काफी ज्यादा है। एमएससी मैथमेटिक्स में तो बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। एमएससी फिजिक्स जस्ट लाइक साइकोलॉजी, फूड साइंस एंड मेनी मेनी कोर्सेज, स्टूडेंट्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस कोर्सेज। तो आपका फेवरेट कोर्स कौन सा है? इसके साथ यार आप लोगों को अगर मार्क्स कम आ रहे हैं एंड इफ़ यू आर नो नॉलेज अबाउट द एडमिशन देन आप मेरी पर्सनल गाइडेंस प्लान ले सकते हैं रिगार्डिंग द सीओटी एडमिशन 2022। ओके, और भी आपकी कोई क्वारीज हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, पढ़ो का सम्मान करो, धन्यवाद।